अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं नोवाटेल में आ गया हूँ यार, ये नोवाटेल होटल। और अभी टाइम हो गया 11:20 और यहाँ पे ना यार कोई गाड़ी खड़ी भी नहीं है। हमारा ना यहाँ पे ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, जो गाड़ी खड़ी होती है उसकी डिटेल होती है, सुपरवाइजर है जो अपडेट करता रहता है कि कौन है कौन निकला। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अपडेट ही कोई नहीं आ रही, शायद कोई गाड़ी नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कहीं कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म तो नहीं हो गया हमारा यहाँ होटल में, अगर होता तो मुझे भी ना खड़े होने देते यहाँ। खैर, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा साल का है, वो तो खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या वजह है कुछ समझ में नहीं आ रही। और आज मैंने उबर के लिए मान कर लिए यार। अच्छा, कल जो था 0 पे निकला था, तो मैंने कहा भाई अब ना उबर के लिए मांगो, तो मैंने उबर के लिए पता है कितनी देर के बाद ऑन किए, तकरीबन 5 महीने और 19 तारीख है आज, 5 महीने और 19 दिनों के बाद आज ऑन किया है। तो देखते हैं इतने दिनों के बाद करने से कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काम ही नहीं है, बेनिफिट क्या मिलेगा, ये तो बस अपनी तसल्ली के लिए किया है कि कुछ ना कुछ मिल जाए। जो दिन शुरू करते हैं आज का दिन अल्लाह का नाम लेके और देखते हैं क्या बनता है, कब तक ट्रिप मिलता है। और जुम्मे का दिन है आज, काम कितने तक का मिलेगा वो देखना है बस। बड़े भाई कह रहे थे कि यार आप उबर क्रीम पे काम क्यों नहीं करते, तो मैंने कहा भाई बात मान लेनी चाहिए, किसी की जिद नहीं करनी चाहिए। कल की वीडियो पे मैंने आपको बताया था ना कि आज करूंगा, तो आज मैं लेके आया हूँ जी उबर क्रीम ऑन करके इंस्टॉल करके। तो रास्ते में चलता हुआ ऑन ही था, अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, कब तक आता है फिर देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि कब तक आएगा। यार मेरा फैसला जो था ना उबर क्रीम पे काम करने वाला वो सही हो गया, पहला मैसेज आ गया मुझे क्रीम के ऊपर। होटल पे अभी भी मैं उधर ही खड़ा हूँ देखो, लेकिन अभी मैं निकल रहा हूँ भाई, जल्दी हो ही मैसेज आ गया, 11:56 हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा मैसेज आते हुए। लग रहा है मुझे कि उबर क्रीम पे काम करना ही सही रहेगा इन दिनों में, देखते हैं जी। बहरहाल फौरी तौर पे फैसला नहीं करना चाहिए, चलते हैं पहले इसको उठाते हैं जाके, फिर देखते हैं ये कहाँ जा रहे हैं और कितने का ट्रिप। अल्हम्दुलिल्लाह पहला ट्रिप हो गया यार, 19 दिरहम का हुआ है, लेकिन जो 0 था वो ब्रेक हो गया, कल की तरह 0 पे नहीं जाना पड़ेगा। नजदीक का ट्रिप ही था, शेख जायद रोड पे उतार दिया। अभी ट्रिप करने के बाद मैं वापस आ गया हूँ होटल में, गाड़ी तो कोई नहीं है, लेकिन क्या फायदा गाड़ी ना होने का, काम भी नहीं है। अभी तक कोई दोबारा से मैसेज नहीं आया, उबर क्रीम दोनों ही आन है। मैंने कहा जरा फ्रेश होके आ जाता हूँ, ये हमारी होटल की पार्किंग है। 2:10 हो गए हैं यार, और एक और मैसेज 20 दिरहम का मिला है मुझे, वो भी मैंने DIFC में उसको छोड़ा। अभी ना मुझे जाना है गाड़ी का थोड़ा काम करवाने के लिए, मतलब काम क्या है, हमारे एक RMS डिवाइस लगती है गाड़ी में जो इनएक्टिव हो गई हुई है, उसको एक्टिव करवाने के लिए उससे अपॉइंटमेंट ली हुई है। उस बंदे ने बोला था जी मैं वाले दिन 2 के बाद आ जाना, तो अभी मैंने सोचा यार काम तो है नहीं, चलो यही काम निपटा लेते हैं, अभी उसकी तरफ जा रहा हूँ, गाड़ी का काम करवा लेता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या मिलता है। फिलहाल 2 ट्रिप हुए हैं okay. और दोनों ही करीम के, उबर का तो एक भी ट्रिप नहीं मिला। साहब ने यार मैसेज में लिखा हुआ था कि इस दौर में भी 200 दिरहम तक तो आता है डेली का उबर करीम पे, ठीक है यार आता है, तो आज से मैंने भी ऑन कर लिया है, देखता हूँ कि कितना बनता है, 200 तक बनता है कि नहीं। फिलहाल तो 40 दिरहम ही हुआ है, 20 एक ट्रिप और दूसरा ट्रिप, देख लेते हैं क्या होता है। और एक दूसरे साहब ने पूछा हुआ था, अपने एक दोस्त का बताएं जो इंडिया से आया था, साउथ इंडियन था यार वो लड़का, उसने वियानो ली थी गाड़ी, लेकिन ना कोई इमरजेंसी हो गई, उसके बाप का बाईपास ऑपरेशन था, तो उन्हें बड़ी जल्दी में गाड़ी ली थी यार, ज्यादा पैसे दे के ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया, तकरीबन 19-20 हज़ार लगा था, VIP की जो क्लासेस होती हैं वो लेके वो भी लगाए, लेकिन बस बैड लक हुई कि उसको जाना पड़ा, और जाते हुए ना वो गाड़ी बेच गया। हालांकि जब उसने काम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में अच्छा खासा काम भी मिला उसको, अच्छा बिजनेस किया उसने, लेकिन फिर वो इमरजेंसी होने की वजह से ना उसने गाड़ी बेच दी, सेल कर दी और वो चला गया वापस। यार मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे उसने बुलाया था एक दिन पहले, लेकिन मैं बिजी था कहीं, तो मैंने उसको कहा यार कि अभी मैं बिजी हूँ तो कल मिलते हैं, लेकिन उसी दिन ना उसने गाड़ी बेच दी, वो शायद मशवरा ही करना चाह रहा था, तो मशवरा नहीं हो पाया मेरे बिजी होने की वजह से, और उसने भी वेट नहीं किया, फौरन गाड़ी बेच दी उसने। मुझे बड़ा दुख हुआ था यार उसकी गाड़ी का, इतने पैसे भी लगाए उसने, इतना खर्चा किया, लेकिन फिर भी वो गाड़ी उसके पास रही नहीं, इतने शौक से उसने बाकी चीज़ें ली, तैयारी की सारी कि मैं उबर क्रीम पे काम करूँगा, पानी वाली बोतल शर्ट्स पैंट सब कुछ हमने एक साथ शॉपिंग की, लेकिन दुख मुझे ये हुआ कि यार उस बंदे ने, हालांकि उन दिनों में भी काम जब वो कर रहा था तो डेली का 700-800 दिरहम उसने बनाया था, वो था भी अच्छी कंपनी में जिनके पास अच्छे होटल्स हैं, फिर भी लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था ये काम, तो वो छोड़ के चला गया, वो बंदा फायदे में रह गया, जिस बंदे ने उससे गाड़ी ली ना वो फायदे में रह गया, बनी बनाई गाड़ी उसको मिल गई। अभी मैं चल रहा हूँ रसल कोर में, वहाँ से गाड़ी का काम करवाना है, वो करवाने के बाद फिर आते हैं जी, फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला, वहीं से ऑन कर लेंगे उबर करीम, काम
वहीं से स्टार्ट करेंगे, मिला तो ठीक, नहीं तो इधर होटल में पहुंचेंगे। गए यार, यहाँ पे डिवाइस जो है गाड़ी में लगाते हैं, आरएमएस जो डिवाइस होती है ना वो यहाँ पे लगती है, वो काम सही तरीके से नहीं कर रही, तो मैं आया हूँ यहाँ पे फिक्स करने के लिए। ये जो आरएमएस की डिवाइस है ना, उसके अंदर कोई सिम होती है, तो वो कह रहे हैं कि इसकी सिम जो है ना ब्लॉक हुई हुई है, तो वो सिम को एक्टिवेट करवाना है जी। वो कहते हैं कि मैं अंदर से करवा के लेके आता हूँ, आप बैठे इधर ही। तो मैं इधर ही बैठ गया हूँ यार। 4:30 का टाइम हो गया यार मुझे, इधर ही मेरी जो आरएमएस की डिवाइस होती है ना वो ब्लॉक थी, तो इसकी वजह से टाइम मुझे ज़्यादा लग गया। वो उसमें सिम होती है जी, सिम ब्लॉक थी, तो उन्होंने पहले यहाँ से आरटीए में मेल की, फिर वहाँ से उन्होंने एक्टिव की, तो फिर जी उन्होंने दोबारा से इंस्टॉल की है। अब जाके काम खत्म हुआ, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, उबर क्रीम ऑन कर लिए इधर से ही निकल के, तो फिर बाद में देखते हैं कि क्या कुछ मिलता है कि नहीं। होटल पे तो आ गया हूँ, गाड़ी कोई नहीं है, यही एक ही गाड़ी खड़ी हुई है, और उसके बाद ये मेरा नंबर। सोचा यार गर्मी बहुत ही यार, उधर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जाके थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ फिर देखते। उबर क्रीम ऑन ही है, वहाँ से लेके यहाँ तक ही ऑन था, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह यार 8 बज गए हैं, और अभी जाके मुझे गेस्ट मिला है जी हिल्स मॉल, वहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया, और अब ना यहाँ से मैं निकला हूँ। उस टाइम जब मैं आया था गाड़ी का काम करवाने के बाद, तो आरएमएस की डिवाइस करवाने के बाद, तो उस टाइम से लेके उबर भी ऑन था, करीम भी ऑन था, ना ही उबर का मैसेज ना ही करीम का मैसेज, खड़े खड़े टांगे थक गई, छुट्टी का टाइम हो रहा था। नहीं, मेरे कोलीग ने 80 बोला, लेकिन वो कह रहा है यार 65-60 तक आते हैं, फिर उसने बोला यार 70 भाई दे दो, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने एग्री कर लिया, कहते हैं ठीक है यार चलो। तो अभी मैंने उसको छोड़ा है यार, और मैं ना तो बस निकल जाऊँ, छुट्टी का टाइम तो मेरा हो ही चला था, ये अगर नाम मिलता तो और थोड़ी देर में मुझे निकलना ही था, अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही नहीं निकलना पड़ा, कुछ लेके निकला। तो यही थी जी आज की वीडियो, 70-20 और 20, बस यही काम हुआ आजकल, यही है यार, यही कुछ ही होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यार आज ना कोई कमेंट था ही नहीं शायद किसी का, तो अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर दें, तो मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। आने वाली नई वीडियोज़ के लिए देखते रहिए शहबाज हुसैन, कीप वॉचिंग, खुदा हाफिज़।